हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय चैनल एंड आल्सो इन माय ब्लॉग। तो क्या हाल चाल है आपके? और हाँ यार, ये जरा बताओ मुझे कि आज का जो वेदर है वो किसने किसने एंजॉय किया? आर यू कॉमेडी मी? तो गाइज, आज फिर से हाजिर हूँ। शाम का समय है और फिर से आपको आज का जो वाक्या हुआ, जो भी चीज़ें हुई, वो बताने के लिए हाजिर हूँ। तो गाइज, आप लोगों ने अपना दिन कैसे एंजॉय किया ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल मैं अपना बताता हूँ कि अपुन ने कैसे किया है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस, बात ये थी, शुरू होती है सो करके मैं जब उठा तो भाई यार, बाहर निकलते ही ऐसा लगा कि जैसे लगा जन्नत में आ गया हूँ। भाई यार, इतनी मस्त वाली हवा चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी। छत पे आने के बाद ऐसा लगा था क्या एसी क्या कूलर, साला लात मारो इन सब चीज़ों को। नेचर से ज़्यादा बेहतरीन और ठंडी हवा कोई दे ही नहीं सकता। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। बस देखा मैंने, पूरे आसपास पूरे बादल घिरे हुए थे, काले काले थे, लग रहा था कि बारिश होने वाली है। लगभग 2-3 घंटे बाद जो है घनघोर बरसात स्टार्ट हो गई। मतलब समझ लो, ये जिस जो गर्मी होती है, गर्मी के मुंह पे तमाचा ही तमाचा था कि अब दिखाना कितनी गर्मी है तुझमें। वरना तेरे को डर नहीं लगता? बस इतना जान लो भाई, मौसम पूरा एकदम ठंडा हो चुका था, मज़ा तो पूरा फुलटू आ रहा था। अब ये सब चीज़ देखा तो फिर जाहिर सी बात है यार, बारिश के मौसम में किसका नहीं मन करेगा पकौड़े खाने का। मैंने भी बस तुरंत मास्टर शेफ को कॉल लगाया, मम्मी को बोल दिया, भैया मम्मी ऐसा है बना दो। रहा नहीं जाता। बस ज़्यादा नहीं, आधे घंटे बाद भाई 2 प्लेट छन के आ गए पकौड़े। उसके बाद तो फिर लपेटने दो यार, फिर 1-2 पकौड़े कौन खाता। फिर दोनों प्लेटें मैंने साफ की भाई, एकदम बढ़िया चिकन। अब इसके बाद फिर भाई पकौड़े खाए के जब उठा मैं तो मुझे कुछ लगा, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ जानते हो क्या हुई थी? नहीं। तो दोस्तों, गड़बड़ बस खाली इतनी सी हुई थी कि मेरे फोन का अलार्म बज गया था। मारो मुझे। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये उठा तो समझ में आया, ओफो, आखिरकार ऐसे मनोहर और मनोरम दृश्य हमारे भाग्य में कहाँ है। नहीं हो सकता। फिर मैं उठा, जैसे तैसे हकीकत का सामना करना ही था, जाहिर सी बात है। अच्छा, वैसे एक बात जानना है मुझे। हम सभी को ये चीज़ पता है कि जो इतनी भीषण और चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? जैसे ग्लोबल वार्मिंग और जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। तो भाई मतलब सब चीज़ बर्दाश्त, लेकिन मेरा ऊपर वाले से एक सवाल है कि हे भगवान, आखिरकार हम जैसे गरीब छोटे लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? मतलब हमने ना पृथ्वी को कोई नाश पहुंचाया। अरे यार, हम आम आदमी हैं, सिंपल सी जिंदगी गुजर बसर करते हैं, और जो बड़े बड़े लोग एसी में ठुसे बैठे रहते हैं, उनका मतलब उनका काहे नहीं जाके घर फूंक देते हो यार, जो चेंचा जैसा मुंह लेकर के जाके पूरी नाश किए पड़े हैं पूरी पृथ्वी का। मतलब हम ही लोग पड़े हैं तुम्हारे लिए नाश करने के लिए? नहीं मतलब चाहते क्या हो? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो गाइज, मैं तो त्रस्त हो गया हूँ इस सवाल से भी और इस भीषण गर्मी से भी। तो जिसको भी जवाब मालूम भाई, कमेंट सेक्शन में रंग देना और या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज ठेल देना, ठीक है? फिलहाल मेरे निकलने का समय हो गया, तो चलते चलते एक शेर सुना देता हूँ कि सो के उठे तो सवेरा हो गया, सो के उठे तो सवेरा हो गया, और हम भी घर से तभी निकले जब अंधेरा हो गया। वाह वाह, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। गाइस, ऐसा है, गर्मी में जा करके ना अपनी शरीर नहीं जलानी है, इसलिए अब निकलता हूँ मैं, क्योंकि अम्मा ने मंगाया है टमाटर, और अगर समय पे टमाटर ना मिला ना तो अम्मा इतना थबड़ियाएंगी कि मेरा गाल ही टमाटर इतना लाल हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, सीधे मिलते हैं डायरेक्ट कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।